आज नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के अवसर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पुराने भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी की भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। नए कोइलवर पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार ने सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। इससे पटना से आरा, बक्सर और छपरा जाना हुआ आसान। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की कोई समस्या नहीं होगी। सुशील मोदी ने बिहार विधान परिषद से सदस्यता की इस्तीफा दे दी है और वो 12 दिसंबर को राज्यसभा के सदस्यता की शपथ लेंगे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर सुशील मोदी 7 दिसंबर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 13 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। इसके बाद 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब बिहार में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। बिहार में सिर्फ पटना विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा की मान्यता मिली है। इसके अलावा अन्य किसी रेगुलर विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन नहीं हो पाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2019-20 सत्र में देश के सभी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, जिसमें बिहार के सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी को रखा गया है। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्ति जब्त होगी। इसके लिए सदर एसडीओ ने आदेश निकालते हुए नाथनगर, सबौर और जगदीशपुर के सीओ को मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त का आदेश निकाला है। संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई के लिए 3 मजिस्ट्रेट के अलावा 7 थाने की पुलिस तैनात रहेगी। दरभंगा में हथियार बंद बेखौफ अपराधियों ने बुधवार को दिन दहाड़े 7 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया। नगर थाना क्षेत्र के लाट मार्केट में डमरू सेठ ज्वेलर्स ने धावा बोलकर करीब 7 करोड़ रुपए की सोने के आभूषण और कैश लूट लिए। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बिहार में पिछले 2 दिनों में ठंड में इजाफा हो गया है। मौसम विभाग ने फिर से पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि अगले 72 घंटे में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री में गिरावट होगी और ठंड में इजाफा के साथ घने कोहरे भी छाए रहेंगे। Yeah.